दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। जो शिक्षक एनआईएस से डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट यहां पर आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके रिजल्ट से संबंधित आ रही है, जहां पर कि आप देख सकते हैं एक नई नोटिस जारी की गई है। इस नोटिस को हम देखते हैं और इस नोटिस पर जब आप क्लिक करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप जा सकते हैं dlet.nis.ac.in। इसके बाद आपको यहाँ पर ये फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रिजल्ट पब्लिश्ड ऑन द फे एक वेबसाइट। इस पे जब आप क्लिक करते हैं और यहां पर नए यहां पर जो आप टैब पे जाते हैं, पीडीएफ जो आप ओपन करते हैं, ये पीडीएफ का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है कि आप वहां पर भी जाके देख सकते हैं। यहां पर आपको कहा जा रहा है कि इट इज इंटीमेटेड टू ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ एनआईएस डीएलएड दैट एनआईएस डीएलएड रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द कोर्स 501, 502 एंड 503 will be declared only on NIS DLED official website, that is www.nios.ac.in and dled.nis.ac.in, and not on any other website. The DLED result it is not yet declared. तो यहां पर आपको कहा जा रहा है कि आप सबों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि 501, 502 और 503 जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है, उसका रिजल्ट आपको NIS DLED के ऑफिशियल वेबसाइट nis.ac.in और dled.nis.ac.in सिर्फ और सिर्फ इसी दोनों वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी। और डीएलएड रिजल्ट यहां पर अभी तक आउट नहीं की गई है, इसके अलावा ये कहीं पर पब्लिश नहीं की जाएगी आपकी वेबसाइट, मतलब आपका रिजल्ट। आगे कहा जा रहा है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट सर्टेन फेक वेबसाइट हैज बीन hosted by the fake name and claiming that NIS DLED result is declared and asking to provide the enrollment number, email, etc. which is being used for capturing the information. दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ फेक वेबसाइट ने यहाँ पर NIS DLED result declare किया है उनके अपने तरफ से फेक रूप में, और आपसे आपका enrollment number और email पूछा जा रहा है, आपका personal information कैप्चर करने के लिए, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन वो लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। एनआईएस रिक्वेस्ट ऑल द स्टेक होल्डर्स नॉट टू प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन ऑन दिस फेक वेबसाइट एंड डू नॉट बिकम अ विक्टिम ऑफ दिस फेक वेबसाइट। लाइक यहां पर दो वेबसाइट का नाम दिया गया है, जहां पर कि कहा जा रहा है आपको कि एनआईएस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन इन वेबसाइट्स पर ना डालें और आप विक्टिम ना बने इन फेक वेबसाइट का, जिसका कि डिटेल्स यहां पर दिया गया है। दोस्तों पिछले 3-4 दिनों से आपको योर ऑनलाइन पार्टनर पे लगातार कई सूचना के माध्यम से, कई वीडियो के माध्यम से ये बातें आप लोगों तक फैलाई जा रही है कि आप भी किसी भी वेबसाइट पर यहाँ पर अपना इन्फॉर्मेशन ना डालें। और ये बात हमने काफ़ी जोरदार तरीके से चारों तरफ इनिशिएट की थी कि आप अपने फेक वेबसाइट पर, किसी भी अलग गलत तरीके के वेबसाइट पर जो आपके सामने अभी आ रहा है, वहां पे ना डालें आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिससे कि हो सकता है कोई प्रॉब्लम क्रिएट। आगे यहां पर अगर आप देखिए तो ऑल द रिक्वेस्टेड टू विजिट वनली nis.ac.in और dled.nis.ac.in फॉर द रिजल्ट और एनी फर्दर इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रिलेटेड टू डीएलएड और कॉल टू दिस नंबर 1800180993। तो आपको कहा जा रहा है कि आप dled.ac.in, dled.nis.ac.in और nios.ac.in सिर्फ और सिर्फ इसी दोनों वेबसाइट पे विजिट करें या आप कॉल करें उनके टोल फ्री नंबर पर। बेसिकली दोस्तों आपका ये जो dled.nis.ac.in यही एक वेबसाइट है, जो nis.ac.in है इस पर भी अगर आप जाएंगे तो आपको फाइनली वहां से घूम के NIS DLED फॉर अनट्रेंड टीचर इस पर क्लिक करके इसी वेबसाइट पर आना पड़ेगा dled.nis.ac.in, और यही आपका मेनली DLED का वेबसाइट है। और यहां पर जो बात लगातार योर ऑनलाइन पार्टनर पर अगर आप देखिए तो वीडियो के माध्यम से फेक वेबसाइट के बारे में रिजल्ट लिंक वायरल आप देख सकते हैं, कई बार आप लोगों को ये एक तरह से कहिए तो चेतावनी दी गई थी और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आप लोग अपना इन्फॉर्मेशन उस पर ना डालें, और यहाँ पर एनआईएस ने आज उस चीज़ों को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, आप लोगों के सामने ला दिया। इनफैक्ट जो वेबसाइट यहाँ पर फेक वेबसाइट यहाँ पर ऑब्जर्व की गई उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि उस पर आप ना जाएं। तो अब जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर उस वेबसाइट पर इनरोल कर
लिया था, मतलब कि अपना डिटेल्स उनको दे दिया है जिन लोगों ने, उन लोगों से मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी अपना धैर्य ना तोड़ें। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि आप लोगों ने, जिन लोगों ने गलतियाँ कर दी, अब आप लोग धैर्य ना तोड़ें। अगर कोई परेशानी होती है तो जैसा कि कोई भी चीज़ में स्टार्टिंग से योर ऑनलाइन पार्टनर आपके साथ है, अगर कोई परेशानी होती है तो उस बात को भी हम लोग रीच आउट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 3-4 दिनों से कितनी लगातार नोटिस पे नोटिस यहाँ पर जारी की गई और बात NIS तक पहुँची, और उसके बाद जो है आप तक ये बात जो है NIS अपने PDF के माध्यम से, अपने ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से पहुँचा रहा है। आगे अगर कोई परेशानी होती है तो फिर से योर ऑनलाइन पार्टनर इस पर एक्शन लेगा और आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने देगा। अगर आपका यहाँ पर कोई भी चीज़, अगर आपका डिटेल्स यहाँ पर किसी भी प्रकार से यूज होता है या आपको विक्टिम बनाया जाता है तो, लेकिन ये बहुत बड़ी सीख है आपको लेने की कि अब यहाँ पर ये मासूमियत आप लोग कभी आगे ना करें, सिर्फ और सिर्फ NIS DLED में ही नहीं, आगे किसी भी चीज़ में अपना कोई भी अगर अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं तो उससे पहले 1000 बार सोचें कि आप किसको दे रहे हैं, और आप अपने इमोशंस में, भावनाओं में बहकर किसी भी चीज़ में आप जो है उत्साहित होकर कोई काम ना करें। 1000 बार उसको चेक करें, उसके बाद ही कोई काम करें। और जहां तक DLED के रिजल्ट की बात है, यहां पर NIS ने क्लियर कह दिया है कि DLED रिजल्ट इज नॉट येट आउट, और कब निकलेगा इसकी भी यहां पर कोई डेट नहीं बताई NIS ने, लेकिन बस यहां पर चेतावनी दी फेक वेबसाइट के बारे में। तो उम्मीद है कि यहां पर NIS जल्द से जल्द अब जो है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर यहां पर रिजल्ट निकाले, और उन लोग बिल्कुल, अगर यहां पर मैं बताऊं कि उन अंदर में क्या चल रहा है, तो वो लोग पूरे एक्चुअली जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं रिजल्ट निकालने की। पेपर वर्क यहां पर कुछ पेंडिंग है जो चल रहा है, उम्मीद है कि जल्द से जल्द रिजल्ट आपके सामने आएगा, लेकिन कोई एस्टिमेटेड डेट यहां पर इसमें भी नहीं बताई गई। तो यही दोस्तों यहां पर जो है आप लोगों के सामने नई खबर NIS अपने वेबसाइट पर डाला है। मिलते हैं नए वीडियो में, दीजिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद।